हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि मेरा चैनल का नाम आईटी सॉल्यूशन क्लास चंडी मठ एक चैनल है और मैं हमेशा से क्या है टेक्निकल वीडियो लाता हूं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में पिछले क्लास में बताया था नेटवर्क और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंट है, वो कितने प्रकार के होते हैं नेटवर्क। तो मैं आपको लैनशिप बताया था, आज मैं एक डिफिनीशन के माध्यम से तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, अगर कभी एग्ज़ाम व्यू से आपको आता है तो आप किस तरह से लिखेंगे। मैं कोशिश किया हूँ हिंदी में लेके आया हूँ। जैसा कि देख सकते हैं दोस्त, फर्स्ट में आपका लैन नेटवर्क लिखा है, दूसरे में मैन नेटवर्क लिखा हुआ है और तीसरे में वैन नेटवर्क लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम डिफिनीशन में फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं, इन तीनों का फुल फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे कि देखें, इस नेटवर्क की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का। किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और दूसरे का मैन, इस नेटवर्क का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होता है। और सेम तीसरे का वैन, इस नेटवर्क का भी फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। चलिए दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या है दोस्त, लैन नेटवर्क का इस्तेमाल एक छोटे से भौगोलिक एरिया में कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है, यानी बनाने के लिए किया जाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है दोस्त। तो लैन जो नेटवर्क है वो एक छोटा एरिया, जैसे एक रूम हो गया या एक कोई छोटा क्लास हो गया, उसमें 10 कंप्यूटर है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम लैन का इस्तेमाल करते हैं। वही जैसे मैन नेटवर्क का इस्तेमाल कर एक शहर से दूसरे शहर, यानी कि एक टाउन से दूसरे टाउन को अगर हमको नेटवर्क में उसको कन्फिगर करना है या एक दूसरे को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, मैन का इस्तेमाल करेंगे। यह क्या है, लैन से ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ये दो टाउन को कवर करता है दोस्त। तीसरा वैन हो गया, वैन नेटवर्क का इस्तेमाल हम एक देश को दूसरे देश या फिर पूरे विश्व को नेटवर्क जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि गूगल एक क्या है, वैन नेटवर्क है। देख सकते हैं गूगल क्या है, कोई भी कंट्री में जाएँ आपको हर एक कंट्री में मिलेगा, ठीक है। तो वैन एक ऐसा नेटवर्क है दोस्त, वो क्या करता है पूरे वर्ल्ड को पूरे देश को जोड़ता है। तो आप तीनों का ये डिफिनीशन से ही समझ गए होंगे कि लैन नेटवर्क क्या होता है, ये छोटे एरिया को कवर करता है। मैन नेटवर्क क्या होता है, दो टाउन या कोई दो उसका करता है। वैन नेटवर्क क्या है, एक देश या विश्व का, मतलब एक देश से दूसरे देश, यानी विश्व में पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनसे अगर मान लो आप नेटवर्क एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वैन में आएगा। जैसे कि अगर एज पर एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या है दोस्त, गूगल एक वैन नेटवर्क है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, यह नेटवर्क सिर्फ प्राइवेट होता है, यानी लैन क्या है, ये सिर्फ प्राइवेट होता है, यानी कि ये हम लोग अपने ऑफिस पर्पस यूज के लिए या छोटी बिल्डिंग के लिए तो मतलब इसको एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये कि एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। दूसरा मैन नेटवर्क जो होता है, यह नेटवर्क प्राइवेट या पब्लिक दोनों हो सकता है दोस्त, दो शहर जुड़ने के लिए जो भी, ये नेटवर्क क्या है, प्राइवेट भी हो सकता है पब्लिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तीसरा, यह नेटवर्क प्राइवेट या पब्लिक हो सकता है, मतलब ये क्या है, प्राइवेट भी हो सकता है ये भी पब्लिक हो सकता है। क्यों, क्योंकि दो देश को कॉन्फ़िगर करना है तो आप अपना कोई सरकार अपनी भी कर सकती है या कोई अपना प्राइवेट कंपनियां है, जैसे गूगल वगैरह क्या हो गया है अपना, ये भी तो एक तरह से जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनियाँ ही हैं, तो ये भी कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन और मेंटेनेंस करना आसान होता है, यानी लैन जो है दोस्त, इसका डिज़ाइन और मेंटेनेंस करना आसान होता है, क्योंकि ये एक स्विच के थ्रू कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो इसका मेंटेनेंस करना, अगर कभी प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, स्विच जल जाएगा या केबल में दिक्कत आएगा या कंप्यूटर के पोर्ट ख़राब हो सकते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन मैन जो है दोस्त, इसका डिज़ाइन और मेंटेनेंस करना मुश्किल होता है, क्योंकि दो टाउन के बीच में कनेक्ट करना, उसके लिए आपको बहुत से राउटर, स्विचेज, मीडिया कन्वर्टर, एफओ केबल, सर्वर्स, रूम, बहुत कुछ चाहिए दोस्त, तो इसको मेंटेनेंस करना मुश्किल होता है। और जो हमारा वैन है, इसका डिज़ाइन और मेंटेनेंस करना मुश्किल होता है, मतलब इसका तो और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा दोस्त, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े सर्वर लगाने पड़ेंगे, अब इतना दूर से उतना दूर डाटा भेजने के लिए केबल लगाने पड़ेंगे, बहुत कुछ इसमें बहुत खर्चा आएगा दोस्त। पाँचवा क्या, इस नेटवर्क का रेंज लगभग 10 से 1000 मीटर के बीच होता है। मैं फर्स्ट वीडियो में दोस्त, वीडियो में मेरे से 100 बार बार मैं बोल दिया हूँ, लेकिन वो गलत है। लैन का जो रेंज होता है 10 से 1000 मीटर, मतलब इसका हाई बैंडविड्थ 1000 से ज़्यादा, इससे मतलब 1000 Mbps से ज़्यादा स्पीड लैन नहीं दे सकता है, मतलब 1000 मीटर तक ये जा सकता है, इसका रेंज है। 1000 मीटर के बाद ये लैन काम करना बंद कर देगा, ये आपका क्या है, डाटा को
वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा, 1000 मीटर तक ही लेके जाएगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, अगर आप लाइन का यूज करते हैं तो, अगर किसी बिल्डिंग में लाइन एस्टेब्लिश करते हैं तो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में भी अगर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसकी डिस्टेंस 1000 मीटर ही होना चाहिए। और इसका बैंड भी हाई स्पीड भी 1000 Mbps ही होता है दोस्त। इस नेटवर्क का रेंज लगभग 5 से 50 किलोमीटर के बीच हो जाता है, जो दो टाउन के बीच में जुड़ता है मैन, तो ये 5 से 50 किलोमीटर तक होगा दोस्त। इसी प्रकार मैन जो है, इसका भी रेंज लगभग 10,000 1 लाख किलोमीटर तक, मतलब पूरे 20 भाई दोस्त। क्योंकि ये क्या करेगा, एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जोड़ेगा, तो सिंपली है इसका रेंज तो ज़्यादा होगा। तो 1 लाख किलोमीटर तक इसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर कभी एग्ज़ाम में पूछता है तो एग्ज़ाम ओव्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्त, कि लाइन का रेंज हमेशा 10 से 1000 मीटर होता है, वैन का रेंज 5 से 50 किलोमीटर तक होता है, और मैन का रेंज हमेशा 1 लाख किलोमीटर तक होता है। देखिए स्पीड की बात करें तो जो लाइन का स्पीड है दोस्त वो 1000, ये हाई स्पीड है दोस्त, 1000 Mbps तक की स्पीड दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा दोस्त। वही जो मैन है वो क्या है, 100 Mbps से कम, लेकिन वैन से ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी 100 Mbps का ये भी स्पीड दे सकता है, लेकिन जो पूरा बाकी जो ये जुड़े हैं दोस्त, हमारा मैन जो कि पूरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री वाला है, ये 10 से 20 Mbps, इससे ज़्यादा का स्पीड नहीं दे सकता है। सातवां में इस नेटवर्क का उदाहरण, जैसे इथरनेट या वाईफाई, नहीं बोलता एक वाईफाई लगा दो या इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट कर दो, जिसको हम लाइन बोलेंगे दोस्त। और इस नेटवर्क का उदाहरण सिटी केबल, जो आपको क्या है ना, एक नेट का केबल अपना सिटी सिटी में प्रोवाइड करता है, मान लो कोई सिविल नेट का केबल या किसी का केबल, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, उसको हम लाइन, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये देखिए मैन, वो हम क्या करेंगे, उसको मैन में हम काउंट करेंगे दोस्त, ठीक है, मैन नेटवर्क। और वैन क्या हो गया, इस नेटवर्क का उदाहरण जैसे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, आपका सेटेलाइट हो गया, ये सब वैन होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे काम करता है दोस्त, हर एक कंट्री में इसका यूज होता है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद।